छत्तीसगढ़ के हरि विहार में किराए पर रह रही 45 वर्षीय युवक की अज्ञात लोगों ने चाकू से गोदकर हत्या कर दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर बीके अस्पताल मोर्चरी भिजवाया। वहीं मृतक के भाई की शिकायत पर पुलिस आगामी कार्यवाही कर रही है। जल्द ही हत्या करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तस्वीरों में दिखाई दे रहा यह नजारा बल्लभगढ़ के हरि विहार कॉलोनी का है, जहां पर किराए पर एक मकान में रहने वाले 45 वर्षीय युवक को अज्ञात लोगों ने चाकू से गोदकर उसकी निर्मम हत्या कर दी। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक शव को कब्जे में लेकर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। वहीं एसीपी विनोद कुमार की माने तो युवक पंचकुला का मूल निवासी और यहां किसी कंपनी में काम करता था और किराए पर अकेला रह रहा था। साथ ही पुलिस ने बताया कि कल रात को यह अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहा था, तभी उसके साथ यह वारदात हुई। फिलहाल पुलिस सभी तथ्यों की जाँच कर रही है। मृतक के भाई के बयानों पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कह रही है। ये रात का मामला है और एक नाम पता ना मालूम व्यक्ति जिसने पिंकू को चक्कू गोद के हत्या की है, ये नहीं पता अभी कौन था, तो उसके लिए अभी तफ्तीश जारी है। जिसके भाई प्रेम के एप्लीकेशन पर FIR दर्ज कर दी है और गहनता से जांच की जा रही है। ये मूलतः पंचकुला से रहने वाला है। इसके जो डॉक्यूमेंट्स हमें यहाँ से मिले, पंचकुला ये रह रहा था, लेकिन यहाँ किसी कंसल्टेंसी कंपनी में JCB चौक के आसपास यहाँ ये जॉब करता है और यहीं काफ़ी दिन से रह रहा है। जिस तरह से पुलिस मेहनत कर रही है, मैं मुझे लगता है कि जल्दी इसका सफलता की और हम परिणाम आपको देंगे, ऐसी सोच है।